बच्चे नमस्कार, आपका BMLRS का और इकोनॉमिक्स बीच पेपर होने वाला है और यह कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको ओएमआर सीट को कैसे फिल करें वो मैं अभी बताने वाला हूँ। ओएमआर सीट को कैसे फिल करें वो आपको मैं अभी बताने, ये जरा देखिएगा ये ओएमआर सीट है इंस्टीट्यूट की तरफ से जो मिलता है वो ओएमआर सीट, इसका जरा देखिएगा एक मिनट। आपको यहाँ पर लिखा हुआ होगा आंसर सीट, ये पहले से ही छपा हुआ होगा, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ये 6 डिजिट वाला मान लेते हैं कि आपके पास नंबर होगा, ये ऑलरेडी आपको छपा हुआ होगा, ये आपको लिखना नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। आपको ओएमआर सीट किस पेपर के लिए, आपका पेपर नंबर मैथ का अगर है तो पेपर नंबर 3 दिखेंगे, अगर ये लिखा हुआ होगा, हो सकता है कि लिखा हुआ होगा, और अगर मान लेते हैं कि आपका चौथा पेपर के लिए है तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं लिखा होगा तो आप लिख देंगे। उसके बाद जरा देखिएगा बच्चे कि आपको रोल नंबर है, एक क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको करना क्या करना है, यूज एक बार जरा देखिएगा, यहाँ पर आपको यूज करना है बॉल पेन, यहाँ पर यूज ब्लैक बॉल पेन, पॉइंट पेन, ठीक है, बॉल पेन, इंक वाला पेन नहीं यूज करना, बॉल पेन यूज करना, ठीक है। आपको कोई भी ऐसा पेन नहीं यूज करना है जिसको अगर आप नोट करें तो वो फैल जाए, ठीक है, ऐसा कोई भी पेन यूज नहीं करना है। इसलिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि आपको यहाँ पर बॉल पेन का इस्तेमाल, और वो भी ब्लैक कलर का बॉल पेन, ठीक है, ये आपका याद रखिएगा, ब्लैक कलर का बॉल पेन चाहिए, ठीक है। अब जरा देखोगे, मान लेते हैं ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 लेटर का, 6 डिजिट का आपका रोल नंबर होगा, वो रोल नंबर आप एडमिट कार्ड खोलिए और उस रोल नंबर को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। सपोज करते हैं ये ब्लैक पेन से फिल करना है, ब्लैक पेन से फिल करना है, सपोज करते हैं कि आपका रोल नंबर है 250868, मान लेते हैं कि ये रोल नंबर है, तो आप ब्लैक पेन से इसी तरह से क्लियरली लिखेंगे, ठीक है। अब ये ओएमआर सीट है, पेपर में पहले मिलेगा, सब कुछ पहला पहले, देखिए इसीलिए मैं कहा जाता है कि पेपर देने आप टाइम से पहले पहुंचे, ओएमआर सीट आपको पहले मिलेगा, ओएमआर सीट को सबसे पहले आपसे भरवाया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लेट पहुंचते हैं और वो इतना लेट होते हैं कि ओएमआर सीट को भरते नहीं है और लास्ट में कहते हैं कि पहले मैं आंसर दे दूंगा, ये आंसर सीट को मैं भर दूंगा और ओएमआर सीट का जो रोल नंबर वगैरह ये सब पार्ट है वो लास्ट में भरूंगा, ये गलत तरीका है। याद रखिएगा, कितनी बार देखा गया कि बच्चे लेट पहुंचे और वो आंसर सीट में आंसर करना शुरू कर दिए और ये समझते हैं कि हमें रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये सब लिखने का लास्ट में हमें चांस मिल जाएगा। नहीं बच्चे, नहीं, कार्ड एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो होते हैं वह आपसे बिना भरवाए हुए ये फॉर्म ले लेते हैं, सीट ले लेते हैं और वैसे केस में आपका सारा मेहनत बेकार हो जाता है, आपके सारे मेहनत बेकार हो जाएंगे। आपने सारा मेहनत किया लेकिन ओएमआर सीट का रोल नंबर है, बुकलेट नंबर है, सब कुछ भरा नहीं, तो सारी मेहनत आपका बेकार हो जाएगा क्योंकि आपका चेक ही नहीं हो पाएगा, आपके रिजल्ट ही नहीं आएंगे। तो जब कभी भी है आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है तो आप जल्दी पहुंचिए टाइम से, इसीलिए मैं कहता हूं कि टाइम से कम आधा घंटा से 45 मिनट पहले पहुंचिए। इंस्टीट्यूट भी यही कहता है कि रिपोर्टिंग टाइम 30 मिनट बिफोर, ये कहता है। अगर आपका पेपर 2 बजे से स्टार्ट होगा तो आपका रिपोर्टिंग टाइम 1:30 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चे, टाइम से पहले पहुंचिए। आप क्या करेंगे, सब कुछ फ्री हो करके पहुंचिए, अपने आप को फ्रेश कर लीजिए, बीच में वॉशरूम वगैरह जाना होगा, सब कुछ फ्रेश कर लीजिए, माइंड को शांत कर लीजिए और जैसे ही ओएमआर सीट मिले तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ओएमआर सीट को फिल करना है और वो फिल करना है ब्लैक पेन से। ये वाला जो पार्ट है आप जरा देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है वो ब्लैक पेन से फिल करना,
ठीक है। ब्लैक पेन से फिल करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर मिलेगा, उसके बाद एक क्वेश्चन बुकलेट कोड होता है, एक क्वेश्चन पेपर पर मिलेगा आपको। इसके बाद जब ये सब कुछ भरवा दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर पर बुकलेट कोड होता है, वो 3 डिजिट का होगा, जो भी होगा वो आप भर दीजिएगा। जैसे NCR लिख दिया, सपोज करो कि आपके कोड का नाम है NCR, तो N लिख दीजिए, C लिख दीजिए, R लिख दीजिए, ऐसे ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जरा देखोगे बच्चे, एक बात जरा सुनोगे, उसकी क्वेश्चन पेपर पर एक बात जरा देखिएगा, क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर होता है, एक क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर होता है बच्चे, उसी क्वेश्चन पेपर पर होता है, और उस पर नंबर को देख देख करके आपको बड़े अच्छा से लिखना है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि क्वेश्चन का बुकलेट नंबर है, और वो मान लेते हैं 8802572 मान लिया ऐसे, तो आप क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट नंबर है उसके सबसे ऊपर ये आप याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये है क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर, वो क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ होगा, आप उसको पहले लिखना है, और उस क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट कोड है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, बुकलेट कोड यहाँ पर लिखना है, बुकलेट नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, और लिखने के बाद याद रखिएगा बच्चे, एक दो गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी है, वो मैं आपको सावधान कराता हूँ। आपका पेपर इंग्लिश मीडियम में है कि हिंदी मीडियम में है, ये देखना है। तो आपका पेपर अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आप यहाँ पर कैपिटल लेटर में इंग्लिश लिखेंगे, कैपिटल लेटर में इंग्लिश आप लिख दीजिए, ठीक है। अगर पेपर आपका हिंदी मीडियम में है तो कैपिटल लेटर में हिंदी लिखिएगा। इंग्लिश लिखने के बाद ये हमारे पास ओवल है बेटा, ये ओवल को आपको डार्क कर देना है, ये डार्क करना है प्रॉपरली, ठीक है, ये ऐसे आपको डार्क कर देना है, और वो भी ब्लैक। अब ये डार्क किससे करेंगे बच्चे, इसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आपको करना क्या है, एक एक बात इस पोएमार शीट पर लिखा होता है कि आपको HB पेंसिल इस्तेमाल करना, लेकिन HB पेंसिल में बहुत हार्ड HB पेंसिल नहीं लेंगे आप, यहाँ पर सावधान कराता हूँ कि आपको HB पेंसिल करीब करीब 3-4 HB पेंसिल रख लीजिएगा। अब पूछोगे कि 3-4 की क्या जरूरत है बच्चे, आपको है एक एक समय को, एक एक सेकंड के टाइम को बचाना है। कैसे, ये जो फिल करना है ना बेटा, OMR शीट का फिल करना है, ये सब जो फिल करना है, ये सब कुछ तो लिख दिया, अब इसको फिल करना है तो हार्ड, एक होता है हार्ड वाला नहीं है, ज्योमेट्री का काम हमें नहीं करना, हमें इस OMR शीट को भरना है, तो थोड़ी सी सॉफ्ट पेपर पेंसिल लेना है, और वो सॉफ्ट पेपर पेंसिल से आपको क्या करना है, करेंगे तो जल्दी से जल्दी ये फिल हो जाएगा, ठीक है ना जी, ये जल्दी से जल्दी फिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो उस पेंसिल को रखना है। अब मैं 3-4 क्यों बोला बच्चे, 3-4 इसलिए बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेंसिल का पॉइंट है टूट गया, या अगर मान लेते हैं कि आप काम कर रहे हो, OMR शीट फिल कर रहे हो, और उसके बाद मान लेते हैं कि वह घिस करके छोटा हो गया, अब आपको उसको भरने में दिक्कत होती है, तो आपको उसको फिर इरेज करके उसके पॉइंट बनाने के लिए टाइम की जो समय लगता है उसको बचाना है, तो आप उसको छोड़ेंगे, आप फिर उसके बाद दूसरा HB पेंसिल का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरा पेंसिल का, तीसरा पेंसिल का, चौथा पेंसिल का, इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। एक एक सेकंड का समय को बचाना है बच्चे, इसलिए। एक दो बात और है कि बच्चा जनरली जो है वह पेपर में गलती कर देते हैं, और वो गलती कर देते हैं, हम भी कभी है फिलअप करते थे और वहां पर गलतियां हो जाती थी, बाई चांस आपका कंसंट्रेशन इधर से उधर भटक गया, और आप क्या करोगे बच्चे, एक बात सुनो, ये आपका रोल नंबर भरा गया, आपने ब्लैक पेन से आपने इसको भर दिया, लेकिन जब आप रोल नंबर मिलाते हो तो इसमें से गलत हो गया जी, बेटा ये तो भरना है आपको पेंसिल पेन से, बॉल पेन से, आप इसको इरेज नहीं कर सकते, मान लेते हैं गलत हो गया, यहाँ पर कुछ दूसरा नंबर होना चाहिए, यहाँ पर 3 होना चाहिए, यहाँ पर 3 होना चाहिए था, लेकिन आपका लिखा हुआ है 8, अब क्या करोगे,
अब तो हम फंस जाएंगे, हमें तो भाई वही मार्च, अब इसको बदल कैसे सकते हैं, और इसको मिटाना भी है तो कंप्लीट कैसे मिटाओगे, क्या पेपर को फाड़ दोगे? नहीं। इसीलिए मैं अपने तरफ से एक एडवाइस देता हूँ, एडवाइस वो देता हूँ कि आप क्या कीजिएगा, व्हाइटनर ले लीजिए, व्हाइटनर, ठीक है, व्हाइटनर, एक व्हाइटनर ले लीजिए, और बाई चांस हालांकि कोशिश कीजिए कि ऐसी गलती ना हो, लेकिन व्हाइटनर ले लीजिए। अगर बाई चांस आपका ये मान लेते हैं कि यह नंबर गलत लिखा गया, तो व्हाइटनर से आप इसके ऊपर व्हाइट लगा देंगे और उसके बाद उसको सूखने दीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे आप कि इस व्हाइटनर से के लिखने के बाद फिर उसी पर, ये यहाँ पर व्हाइट हो गया, इसी पर आप क्या करेंगे कि आप जो भी आपका नंबर है, मान लेते हैं 7 नंबर है, तो आप 7 टाइप कर दिए, यहाँ पर लिख देंगे, और इस तरह से आप अपने गलतियों को सुधार कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने तरफ से, सीए इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इन्हें बता रहा हूँ कि ये गलती आपसे ना हो। अगर बाई चांस 0.1% में मान लेता हूँ कि ये गलती हो गया, दिमाग भटक गया और मेरे से गलती हो गया, तो गलती हो गया तो क्या करोगे? तो वैसे परिस्थिति में बच्चे ये व्हाइटनर आपको काम आएगा, ठीक है, आप इसको व्हाइट कर दीजिए, उस पर है कि जो नंबर है वो लिख दीजिए, कंप्यूटर को नंबर ही तो पढ़ना है, नंबर पढ़ लेगा आपका। जरा देखिएगा यहाँ पर है, आपको करना है, यहाँ सी लिखना था, आपने ये लिख दिया, अब इसको मिटाना होगा, ये पेन से लिखे हैं, मिटा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, आप फटाफट क्या करोगे, आप व्हाइटनर लगाओगे, और व्हाइटनर लगाने के बाद यहाँ पर सी है तो सी लिख देंगे, ठीक है, रुक जाने के बाद सी लिख दें, आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। बच्चे इसी तरह से यहाँ पर भी केस होगा, ये वाला बच्चे है कि आपको फिल करना है, ये जो ओवल है, ओवल को फिल करना है, ओवल फिल करने में भी वक्त लगता है, अच्छा खासा वक्त लगता है, तो बच्चे आप शांति से ये सब काम करेंगे, क्योंकि यही अगर सही से आपका रीड नहीं होगा, कंप्यूटर रीड नहीं करेगा, तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए अब ये ओवल है, जैसे टू है, तो सबसे पहले आप टू पर ऐसे कर लीजिए, कंसेंट्रेशन के लिए मैं छोटी सी पॉइंट बता रहा हूँ कि आप ये कर लीजिए, फाइव है तो आप यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर ये क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट ले लीजिए हल्का सा, पूरा सेट मत कीजिए, उसके बाद जीरो है तो ए वाला कर लीजिए, एट है तो आपका एट वाला कर लीजिए, सिक्स है तो आपका सिक्स वाला कर दीजिए, सेवन है तो आप सेवन वाला कर दीजिए। ऐसे पॉइंट कर लेने से देखो, हम अभी सेट नहीं कर रहे, हम उसकी छायांकित नहीं कर रहे, हम सिर्फ है उस नंबर को, इस ओएमआर शीट के जो ओवल है उस नंबर को रीड कर रहे हैं, और इसमें हमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, चांस कम होती है, हम गलती कम कर पाते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे करोगे, जैसे आपने ये है, आपने किया कि टू, तो टू को आप ऐसे पूरा सेट करोगे, उसके बाद पांच है, देखोगे यहां पर अगर कहीं बाई चांस आपका दिमाग कंसंट्रेशन हो गया, तो इसमें है कि इस तरह से करने में वक्त ज्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करोगे कि ऐसे पॉइंट आपने बना लिया, ये दो हो गया, यहाँ पर फाइव हो गया, फिर यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर एट हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर सिक्स हो गया, यहाँ पर सेवन हो गया, ऐसे आपने कर लिया, तो इससे क्या होगा, अब ओवल को पूरा बढ़िया ढंग से, अब हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ ओवल को सेट करने की जरूरत है, आप आराम से इस ओवल को बढ़िया से आप सेटिंग कर दीजिए, ब्लैक एचबी पेंसिल से आप इस ओवल को बढ़िया से आप सेट कर दीजिए ऐसे, ठीक है, इस ओवल को आप सेट कर देंगे, देख लीजिएगा वक्त लगता है इसको करने में, यहां पर इस तरह से सेटिंग कर देंगे, ठीक है, इस तरह से सेटिंग कर देंगे, ये हो गया आपका सेटिंग कर दिया, थोड़ा भी तोड़ना नहीं है, ओवल को ही सेट करना है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, छह लेटर है, छह डिजिट है, तो हमारा छह डिजिट हुआ कि नहीं हुआ, एक दो तीन चार पांच छह, सभी हमारा हो गया, हमारा कुछ भी नहीं, इस तरह से हम सेटिंग कर देंगे। ये एनसीआर का है पार्ट, तो इसको भी अगर मैं मान लेता हूँ कि हमें सेटिंग करना है, तो आप सबसे पहले आप लिखोगे एन कहाँ है भैया, तो यहाँ पर एन है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, ऐसे पॉइंट बना लिए, उसके बाद सी कहाँ है तो यहाँ पर है, आर कहाँ है तो आप जरा देखिएगा आर यहाँ पर, ऐसे कर लिया, और इस तरह से करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंट हो गया, आप ऊपर से नीचे तक आप भरते जाइए, आपको सेडिंग ही तो करना है, आप इस तरह से करके
आप पूरा प्रॉपर ढंग से ऊपर नीचे ज्यादा इधर उधर फैलाइएगा नहीं। ये हो गया हमारा, ये टैब का पेंसिल है तो इसलिए हमारा ये इधर से उधर होता भी है, लेकिन आप कोशिश करें कि ना हो ऊपर से लेकर नीचे तक। हमें इस तरह से क्या होगा, सिर्फ सेटिंग करने का ही काम बच जाएगा, हमें पढ़ने की काम नहीं बचेगा। पढ़ने का काम तो हमने कर लिया, उसके अनुसार हमने नंबर को सेट कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया, अब हमसे गलती नहीं होगा। ठीक है, ये गलती होने की जो चांस है ना वो बहुत ही कम हो जाती है। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर है, आप क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर को आप जैसे देखिएगा, यहाँ 8 हो गया, फिर दूसरा भी 8 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 कहाँ है तो 5 यहाँ हो गया, फिर 7 कहाँ है तो 7 यहाँ हो गया, फिर 2 है तो 2। अब आप आराम से हैं, एक तरफ से आप सेटिंग करते जाइए। अब हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि किसको 8 कहाँ है और कहाँ है, हमें सिर्फ पॉइंट जो किया हुआ है उसको सेट करना है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक आइए और सेट करते चले जाइए। ठीक है, इसको हमें सेट करना है, हमने सेट कर, ये बच्चे एक बात जरा सुनो, फिर इसको हमने सेट करना था, हमने सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शेडिंग करना है, हम शेडिंग कर, ठीक है, ओवल को हमने सेटिंग कर, ठीक है, शेडिंग कर, आपको काउंट करना है, आप काउंट कर लीजिए। काउंट करना है कितना, 3 × 3 = 6 × 7 डिजिट का यह नंबर है। हमारे पास 2 × 3 × 4, ये देखिए 2 × 3 × 4 × 2 × 6 × 7 हो गया हमारे पूरे। बेटा इतना करने के बाद आपको क्या करना है वो जरा देखिएगा, सारी इंस्ट्रक्शन कहता है कि आपको कैसे करना है। आप HB पेंसिल से आप ऐसे सेटिंग नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। ये आपका आंसर है, ऐसे टिक मार देंगे, ये भी गलत है। आपने पूरा प्रॉपर ऐसे नहीं किया, ये पूरा नहीं किया, बीच में करके छोड़ दिया, ये भी तरीका गलत है। या बाहर बाहर आपने किया और बीच में आपने छोड़ दिया, ये भी तरीका गलत है। आपको करेक्ट मेथड है, ये पूरा का पूरा आपको सेटिंग करनी है, ये पूरा सेटिंग करनी, ठीक है, ये पूरा सेटिंग करनी, ये नहीं कि आपने बाहर बाहर से कर दिया, बीच का छोड़ दिया, या बीच का कर लिया, बाहर बाहर से छोड़ दिया, बीच का कर लिया, बाहर का छोड़ दिया, या बाहर से कर लिया, बीच का छोड़ दिया, ये तरीका गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि स्पेस फॉर ICAI स्टाम्प, ये आपका काम नहीं है, ये CA इंस्टीट्यूट का काम है। यहाँ पर CA इंस्टीट्यूट स्टाम्प वगैरह जो भी लगाना है लगाएगी, लिखना होगा लिखेगी, ये CA इंस्टीट्यूट का काम है आपका। फिर यहाँ पर CA इंस्टीट्यूट के जो इन्वेस्टिगेटर होंगे, जो इन्विजिलेटर होंगे, जो भी होंगे, वो आपको क्या करेंगे, फिर इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप अपनी आंसर शीट आप पार सकते, खोल सकते। ठीक है, जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे आपको मना नहीं है, लेकिन अब क्या है कि सब कुछ फिल कर लेते हैं, क्या होता है ऊपर का जो फॉर्म है उसको थोड़ा सा खोल खोल कर, और हमारी नज़र तो बेचैनी से भरा रहता है यार, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन भी अगर देख लिया, समय निकाल लिया तो हमें तो फायदा हो जाए। तो पेपर को ऐसे ऐसे खोल खोल करके पारते नहीं है, पार सही है, देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मुड़ करके देख लेते हैं, और एक दो क्वेश्चन भी अगर ऐसा हुआ तो समय से पहले जल्दी हो जाता। तो अगर ऐसा चांस मिले तो आप ऐसा कर सकते, ठीक है। हम लोग भी है ऐसा कर लेते थे, एक दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो भी होता था, ऐसे टाइम से पहले हम लोग कोशिश कर लेते थे। आपको भी अगर ऐसा चांस मिलेगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आप पेपर को खोलिए, तो आप पेपर को आप खोलिएगा। तो खोलने के लिए आपको क्या करना है, ये जो पेंसिल है आप इस पेंसिल को लगाइए पेपर में ऐसे, और उसके बाद आराम से फाड़िए। अब ऐसा मत फाड़िएगा कि बीच से ही फट जाए, तो भी सावधानी, आप स्केल ले जाएंगे तो स्केल से फाड़िए सबसे, ठीक है, स्केल लगाइए और उसके बाद उसको पेपर का जो बंद होता है उसको आप फाड़ दीजिए, आप खोल लीजिए, इस तरह से खुल जाएगा के बाद आपकी जरूरत होती आंसर आंसर बच्चे मैथ में आपके क्वेश्चन टोटल है 100 और OMR सीट को बच्चे मेरे पहले मैं करता था, आप पहले सारे सवाल को बना लो और उसके बाद आप क्या करो कि आंसर सीट फिलअप, पहले क्या करो फर्स्ट
सभी क्वेश्चन को आप कर लो, ऑल क्वेश्चन को कर लो और उसके बाद फिल करो। बेटा ये तरीका गलत है, आप ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि एक दो बच्चों के साथ ऐसी घटना हो चुकी है, ठीक है। हालांकि इस काम को करने में वक्त कम लगता है, लेकिन क्वेश्चन सेटिंग करने का, सबसे लास्ट में सेटिंग करने का समय कम मिलता है ना, उतने क्वालिटी बढ़ जाती। आपने का क्वेश्चन किया हुआ, उसकी आप आंसर ओएमआरसी पर भर नहीं पाए, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, सारी मेहनत आपका बेकार। आप क्या करेंगे बच्चे, एक बार ध्यान से देखिएगा जी, आप दो काम करेंगे यहाँ पर, आप दो काम करेंगे, क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक काम करेंगे कि जैसे आपको ढूंढना है, सबसे पहली बच्चे है टाइम मैनेजमेंट है, सारा खेल है टाइम मैनेजमेंट, ये सारा खेल है टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में बहुत सा देखिएगा, आपके पास है बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैट्स, ये तीन पार्ट। कभी भी आप क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन और टाइम लॉन्ग क्वेश्चन, टाइम को टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, आप उसको है सबसे लास्ट में करेंगे। तीन चोट ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, आप ओएमआरसी क्या कहते हो, ओएमआरसी के कहीं भी किसी जगह रफ नहीं करेंगे। आपका जैसे ओएमआरसी है, आपने यहाँ पर रफ कर लिया, ये गलत तरीका है, ये नहीं करना। ओएमआरसी के बैक साइड में, ठीक है, बैक साइड में कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। हाँ जी, अब जरा देखोगे, अब आंसर शीट जो मिलेगा, उस आंसर शीट पर आपको क्या करना, देखिएगा आंसर शीट है, लेकिन आंसर शीट का जहां क्वेश्चन है वहां पर बनाने से इंस्ट्रक्शन मना है कि भाई कर नहीं सकते, आपको मना है, लेकिन बच्चे मानते नहीं है। आप क्या कीजिएगा, बॉल पेन का इस्तेमाल मत कीजिए, लाइट पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते, लेकिन बच्चे ये मना है, मेरे तरफ से भी मैं भी एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन ये मना है। सबसे लास्ट में आपके पास कुछ पेजेस होते हैं, मिनिमम चार पेजेस होते हैं, और उस चार पेज में आपको रेफर करना है, वो आप करेंगे, लेकिन बच्चे मानते नहीं है यार कुछ तो। अच्छा, उसके बाद जरा देखिएगा जी, एक आप काम और करेंगे टाइम मैनेजमेंट, आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको क्वेश्चन की सिलेक्शन करनी, और क्वेश्चन के सिलेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन को सबसे लास्ट में देखना। अब रहा सवाल कि यार तुमको दो बात फॉलो करनी, आपने मान लेते हैं कि वन नंबर क्वेश्चन है, तो आप पेंसिल से क्वेश्चन पेपर पर, आंसर पर नहीं, आंसर पे आंसर शीट पर नहीं करना कि इस पर ये हो गया तो इस पर टिक लगा देंगे, ये गलत तरीका है। ये आपको आंसर शीट पर कुछ भी नहीं करना, आपको आंसर शीट पर इस क्वेश्चन नंबर के सामने, इस क्वेश्चन नंबर के सामने, इस क्वेश्चन नंबर के सामने जो आंसर होगा उसको सेट करना है, आपको आंसर शीट पर कहीं भी नहीं कुछ लिखना। यही ओएमआरसी कंप्यूटर में सेट होगा और वह स्कैन करके आपके रिजल्ट बनाकर देगा। तो आप क्या चाहते हैं कि कंप्यूटर आदमी थोड़े है कि आपको माफ कर दे, कंप्यूटर क्या करेगा, स्कैन करेगा और उसके बाद आपके आंसर का मार्क्स चेक कर लेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट, ठीक है। तो इस पर है, कहीं भी आपको लिखना नहीं है ऐसे हो गया तो ये ठीक लगा दिए, ये हो गया तो ऐसे टिक लगा दिए, ऐसा नहीं काम करना, ये सब कुछ भी नहीं करना। हाँ, आपको क्वेश्चन पेपर है, आप वहां पर उस क्वेश्चन पेपर में ऐसे आप पॉइंट लगा देंगे कि एक क्वेश्चन हो गया है, यह क्वेश्चन हो गया है, यह क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, आप पॉइंट लगा देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमने कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया, जो क्वेश्चन नहीं हुआ, जो टाइम कंज्यूमिंग है उसको सबसे लास्ट में। बच्चे यहाँ पर आपको अपनी बहादुरी कहाँ दिखाना, आपको चालाकी कहाँ दिखाना, आपको चालाकी ये दिखाना है कि आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा कैसे है, आप सेफ मोड में पास कैसे हो जाए, ठीक है, इस पर आपको चालाकी दिखा। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आता है और आता है लेकिन मिनिमम टाइम में होने वाला है, आप उस क्वेश्चन को पहले करिए, उस क्वेश्चन को पहले कर डाल,
मान लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर दो आसान है, आप दो को करिए और इसके बाद यहाँ पर शेडिंग कर लीजिए, शेडिंग कर लिए। मान लेते हैं कि दो का ये है, तो मान लेते हैं छह नंबर क्वेश्चन आपको इजी लग, कम समय में हो जाएगा, तो आप इसको कर लीजिए। ऐसे मान लिया कि ये आंसर दस का आंसर ये है, ऐसे कर लिए और जो क्वेश्चन पेपर है वहां पर आप डॉट लगा देंगे, आंसर शीट पर डॉट नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन पेपर पर आप डॉट्स लगा, ठीक है। ये पता चलेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका हो गया, उसके आंसर पर भी आप डॉट लगा सकते हैं। जैसे दो का क्वेश्चन पेपर है और दो है उसकी आंसर यहाँ है, तो आप क्या करोगे, दो है तो दो के क्वेश्चन पेपर पर डॉट लगा दिया और दो का आंसर ये है तो इस पर डॉट लगा, ठीक है। आपका मान लेते हैं छह नंबर को सात, छह नंबर क्वेश्चन है तो इस पर डॉट लगा दिया, इसकी आंसर सी है तो उस पर डॉट लगा, ठीक है। अब बच्चे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन करते करते कभी कंसंट्रेशन बिगड़ गया, फिसल गया, हमें यहाँ छह को सेटिंग ना करके ये छह का आंसर आपने सात पर कर दिया और आगे पढ़ते पढ़ते आप ऐसे करते जाएंगे तो सारी सीक्वेंस बिगड़ गई और बिगड़ने के वजह से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर सब कुछ के हुए होने के बाद भी, सही से करने के बाद भी गलत हो जाए। अच्छे यहाँ पर इसीलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में आपका मान लेते हैं दो नंबर है तो यहाँ पर टिक लगा दिए, इसकी आंसर ए है तो इस पर टिक लगा दिए, यहाँ पर छह है तो इस पर टिक लगा दिए, यहाँ पर पॉइंट कर दिए, यहाँ पर दस है तो यहाँ टिक लगा दिए, यहाँ पर पॉइंट कर दिए। इस तरह से होगा कि लास्ट में आपके पास थोड़ा बहुत समय बचता है तो आप मैच कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ए है, भरा सही कि नहीं भरा, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक, तो ए आप कर सकते हैं। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, मैंने कहा कि इजी क्वेश्चन और मिनिमम टाइम लेने वाला हो वो क्वेश्चन पर जरा ध्यान, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको सिर्फ पढ़ना है और आंसर देना है, उसमें वक्त सबसे लगता है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले एडवाइस दिया था कि आप स्टैट के क्वेश्चन सबसे, मैंने आपको एडवाइस दिया था कि स्टैट्स के काम सबसे पहले करो, आप इसकी काम जितना जल्दी हो सकता है वो करो। 40 क्वेश्चन है, आप एक टारगेट रख कर चलो कि इसको हम 25 से 30 के अंदर इस 40 क्वेश्चन, ये आपको टारगेट रख के चलो। फिर उसके बाद आती है एलआर और मैथ्स का काम। एलआर में बच्चे चार पेपर है 20 मार्क्स का क्वेश्चन और यहाँ पर जरा आपको देखना है, समझना है कि क्या करेंगे कैसे करेंगे। एक बात जरा सुनिए, एलआर में भी ऐसा नहीं है कि सारे सवाल इजी होंगे, इजी होते हैं लेकिन सारे सवाल इजी होंगे ये ऐसा ऐसा नहीं है, तो इसमें भी आप चूज कीजिए कि कौन हमारे आसानी से बन जाएगा, ठीक है, इजीली कौन सा बन जाएगा उस क्वेश्चन को पहले कर लीजिए, करते जाइए और बस टिक लगाते जाइए। जैसे 52 है तो 52 पर ऐसे टिक लगा, इसका आंसर ये है, यहाँ पर ये है तो इसका आंसर ये, ऐसे कर देंगे तो ऐसे आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, एक तो ये हुआ और बिजनेस एलआर में है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है नॉर्मली इजी हो जाता है, आप उस पर ट्राई मार सकते हैं। फिर उसके बाद है कि सीक्वेंस वाले सीरीज वाले क्वेश्चन है, नंबर सीरीज लेटर सीरीज क्वेश्चन अगर इजी मिल गया तो आप उसको करेंगे। डायरेक्शन टेस्ट वाला क्वेश्चन ज्यादातर इजी होता है और वो पाँच पाँच छः छः सात सात क्वेश्चन तक पेपर में आ जाता है, आप उस पर आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है कि सीटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप उस पर देखिएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आसान होता है, आप उसको कर सकते हैं। अब जरा एक बात जरा सुनोगे, उस पर कोशिश कर बेटा, एलआर टाइम लेता है, याद रखिएगा इतना आसानी से आपको एलआर होने नहीं, एलआर समय लेता है क्योंकि उस मेथड अनजान होता है, मेथड पता नहीं होता है और वो मेथड सोचना पड़ता है, लॉजिकल रीजनिंग लॉजिक लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समय लेता है। तो बच्चे आप लॉजिकल रीजनिंग पर भी आप मिनिमम 20 से 25 मिनट का टाइम रखिए क्योंकि सीएम चूक में 20 इंटू क्या कहते हैं 12 सेकंड को 60 से डिवाइड कर दोगे तो 1.2 मिनट हुआ ना, 1.2 इंटू 20 इक्वल टू सीएम चूक लॉजिकल रीजनिंग के लिए 24
मिनट का समय दिया हुआ। स्टैटिस्टिक्स के लिए 40 into 1.2 और 248 मिनट का टाइम इसको दिया है और 48 मिनट का टाइम इसको दिया। स्टैटिस्टिक्स से आप समय बचाएंगे और उसको आप मैथ में लगाएंगे। मैथ समय लेता है बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा, यहाँ पर है आपको ये सोचना है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि स्टैट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। हमें उस क्वेश्चन को ढूंढना है जो मिनिमम समय लेता है। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग का हमसे देर में होगा तो आप लॉजिकल रीजनिंग का छोड़ करके आप मैथ पर जरा ध्यान दे दीजिए। मैथ में है कुछ सेलेक्टेड चैप्टर, एवरेज बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, जिनकी बैकग्राउंड पुअर है के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करना चाहिए। इंडिसेस का इजी आ जाए, इंडिसेस का और प्लस ए लॉग का अगर ही आ जाए, से होने वाला हो, इजी आ जाए, कम समय में हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि तो कोई जरूरी नहीं हर बार इजी आ जाए। कभी कभी है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आ जाता है, परेशान नहीं होना है आपको, क्या करना है क्वेश्चन चूज करना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन चूज, टाइम मैनेजमेंट यही सब खेल है। ज्यादा लगता है कि यार ये हमसे होने वाला नहीं है, बहुत समय लगेगा, इसको बहुत लिखना पड़ेगा, यार उसको छोड़ दो बाद में करेंगे, हमें है हमें कम से कम एक डेढ़ घंटे के अंदर, एक सवा घंटे के अंदर, डेढ़ घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन हमें कर लेना है। 60 क्वेश्चन के लिए मैं बता दू 60 to 1.2 72 मिनट, मतलब है एक घंटा 12 मिनट में 60 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, सवा घंटा में 65 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर इतना हो जाएगा ना, इस स्पीड से अगर चलोगे ना तो बेटा दिमाग ठंडा रहेगा, डर नहीं रहेगा, घबराहट नहीं होगा, ठीक है, बोल्ड रहोगे, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ा रहेगा। और तब क्या करोगे, जब ये करोगे ना बच्चे, आगे का क्वेश्चन भी तेरे से अच्छा से हो जाएगा। और नहीं तो बेटा सारा समय बर्बाद कर दिया एक ही पार्ट पे, खाली मैथ में लगा दिया पूरे 40 मिनट को, या 40 क्वेश्चन में करीब डेढ़ घंटा, आपके पास 30 मिनट समय बचा हुआ है। इतना दिमाग घबराया हुआ होगा कि आप कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे कि इसके आंसर होगा क्या, तो वहां पर आप तुक्के लगाने का कोशिश, बेटा तुक्के लगाने का काम, मैंने तुक्का लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए वीडियो मैंने बनाया था, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन तुक्के लगाने का काम सबसे लास्ट के 4-5-7 मिनट में, पहले नहीं, 5-7 मिनट में, उससे पहले आपको सोच सोच कर आंसर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तुक्के लगाने का काम सबसे लास्ट में, आप पहले से ही तुक्के लगाना शुरू कर दोगे दिमाग काम करेगा नहीं, डेढ़ घंटा आपका बेकार हो गया है, 40 क्वेश्चन का तो बहुत डर लगा हुआ है, घबराहट बढ़ जाएगा, बेचैनी बढ़ जाएगा, वैसे केस में क्या करोगे, इसी बात को तो करना है, यही तो है खेल, ऑब्जेक्टिव यही है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, समय कम होते हैं, और उस पीरियड में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो बेटे इसीलिए तो समय लगता है। मैं आपको बता रहा था कि रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन इजी होते हैं, कम पढ़ने वाला होता है, कम समय में हो जाता है। आप इस पर कोशिश करेंगे, इंडिसेस और लॉग का क्वेश्चन अगर इजी आ गया तो आप जरूर ट्राई कीजिए, नहीं इजी आया बेटा उसको कहिएगा सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ज्यादा लिखने वाला होगा बच्चे, आप उसको सबसे लास्ट में होगा, पर ज्यादातर लिखा गया है करीब करीब सीपीटी 2006 में शुरू हुआ था, 2006 से लेकर 2023 की सारी एक्सपीरियंस मुझे है, देखा गया है कि इस करीब 17-18 साल में बस दो चार अटेम्प्ट में ही है क्वेश्चन की लेवल हाई थी, बाकी सभी अटेम्प्ट में इसके क्वेश्चन एवरेज आए हैं, बिलो एवरेज आए हैं, बहुत ज्यादा हाई थे। आ सकता है, मैं कह नहीं सकता, नहीं बता सकता कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एवरेज क्वेश्चन, बिलो एवरेज क्वेश्चन, ज्यादा हाई फाई नहीं आया, तो आपको अगर आ गया तो ऐसा करोगे। फिर उसके बाद आता है बच्चे इक्वेशन का, इक्वेशन में भी अगर मान लेते हैं इक्वेशन बना बना कर, हमारे शॉर्टकट वो बाई चॉइसेस नहीं होने वाला है, बना बना करके हमें मेहनत करने वाला है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन छोड़ दे यार, लास्ट में देखना, ठीक है, समय मिलेगा तो फिर मिलेंगे। तो इक्वेशन वाले में आपको लीनियर इक्वेशन का है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, और क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन, इक्वेशन में बेटे ज्यादातर मैंने आपको ट्रिक्स बताया हुआ,
आप उस ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका क्यूबिक इक्वेशन सेकंडों में उसके आंसर कर, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम क्वेश्चन जो अल्जेब्रिकल मैंने बताया था टाइप थ्री वाला क्वेश्चन जो मेरे किताब का है मैक्सिमम क्वेश्चन आता है उस पर है, उस पर थोड़ा फोकस ज्यादा करेंगे। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन पढ़ दी, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आता है लेकिन ईजी आता है, आप उस पर कोशिश करिए। मैक्सिमम ही क्वेश्चन सर है वो बाई चॉइसेस होने वाला है, आप इस पर जरूर फोकस कर लीजिए, इक्वेशन को जरूर देखना चाहिए। अच्छे सबसे ज्यादा जो है और वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये आपके हैं 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 10-10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये चैप्टर है, ये आपका चैप्टर, ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए 11, 12 में मैथ का होना जरूरी नहीं है, आपको जितने भी वैरायटीज के मैंने बताया है, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताए हैं कि आप जनरल वीडियो देखोगे तो बहुत वक्त लगेगा, कि मेरी अगर वीडियो देखोगे तो कैलकुलेटर पर आपको आंसर मिल, कैलकुलेटर पर मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर हम, ठीक है। तो आप हमारे उस तरीका को देखिएगा और उसका इस्तेमाल कीजिएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक प्रॉब्लम आती है, ये क्वेश्चन जो है ना मिक्सचर है, पहले कहाँ से मैथ से शुरू है कि स्टैट से शुरू है कि एलआर से शुरू है, तो आप एक तरफ से पढ़ते जाओगे तो अपने आप समझ में आता जाएगा, आप उस पर टिक लगाते जाना, पॉइंट देते रहना, पेंसिल से ही तो टिक लगाना है, आंसर शीट पर टिक लगा दो यार, इससे मत लगाना, ठीक है। ज्यादा परेशान होगा कोई एग्जामिनर, क्वेश्चन क्या कहते हैं इन्वेजिलेटर, रबर लगा के मिटा देना, रबर भी लेते जाना है बेटा, रबर को छोड़ना नहीं है, रबर दो रबर ले लीजिए, क्या हो गया इरेजर ले लीजिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया बच्चे, उसके बाद हमारा चैप्टर आता है मैथ का और वो आता है बच्चे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के क्वेश्चन सर इजी आप जरूर, ज्यादातर अभी तक सबसे ज्यादा से ज्यादा 7 क्वेश्चन आया और मिनिमम 3 क्वेश्चन बच्चे, एवरेज 3-4 क्वेश्चन आता है ये मानकर चले, 3-4 क्वेश्चन आप बना सकते हैं रेगुलर ढंग से, हमारे वीडियो देखे हैं आप कर सकते हैं और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ज्यादा दिमाग खराब करने वाला हो तो जो खराब करने वाला हो मैंने पहले ही बोल दिया कि उसको अवॉइड करो, ठीक है। उसके बाद है कि बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन बेटा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप इसके क्वेश्चन को देखो टाइम कंज्यूमिंग, ईजी आया जरूर करो, लगेगा कि नहीं यार मुझे लिखना लेसन करना ज्यादा लिखना पड़ेगा, शायद कर दो एकदम, याद रखिए करना भी सीखिए, लालच रहेगा कि यार ये छूट रहा है वो छूट रहा है, बेटा जो होने वाला है उसको करते जाइए, जो छूटने वाला है उसको लास्ट में नहीं, हर चीज कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बेटे, जो तेज बच्चे हैं मैं कहूँगा हर चीज, लेकिन अगर जो एवरेज बच्चे एवरेज प्लस बिलो एवरेज बच्चे सबको बोलूंगा कि आप करो। सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, सेट फंक्शन एंड रिलेशन है बच्चे, सेट फंक्शन एंड रिलेशन के क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ज्यादा समय लेने वाला नहीं होता, आप इस पर है कि आप दाव लगा सकते हैं, कर सकते हैं सेट्स फंक्शन एंड रिलेशन, इसमें करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आप इसको इस पर है आप कर सकते हैं, समय कम लगे, लेकिन अगर इसमें भी कोई कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि बहुत आँख खराब होने वाला, इस लास्ट में सोचिए, सबसे लास्ट में आता है बच्चे कैलकुलस, कैलकुलस बच्चे मैंने जो वीडियो भेजा हुआ है वो वीडियो है आपके लिए, ये है मोर देन सफिशिएंट, बट अब तो समय है, जिन बच्चों की 11th 12th में उन बच्चों को तो कैलकुलस छोड़ना नहीं है और कैलकुलस पर ठीक है उनको तो करना है, लेकिन जिनकी बैकग्राउंड नहीं रही है बच्चे उनको पछताना भी नहीं है, इससे है करीब 2 से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक आया हुआ है, ठीक है। इतना जब सब कुछ कर देंगे, इतना जब कर लेंगे तो आपको बस सोचना कहाँ का है, इसको छोड़ने की नहीं है, आपको है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको छोड़ना नहीं है, और ये है इंडिसेस है लॉ का, इजी अगर आ गया तो आ गया तो, और इक्वेशन से है इसको कोशिश करेंगे। तो बच्चे इस सब को मिलाकर मैथ से आपका जो 40 क्वेश्चन है ना, इस 40 क्वेश्चन में से अगर 20-25 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया अच्छी तरह से बच्चे, बस ठीक है, डरने वाली बात नहीं है,
रीजनिंग में बच्चे आप जरा देखिएगा, मैंने आपको बताया था रीजनिंग में टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा सोचने वाला हो मैथ्स के इन कुछ चैप्टर्स के बाद आप उस पर ध्यान दे। हाँ जी, आप ध्यान दीजिए। और ये है 24 मिनट का समय आपको मिला हुआ है, 24 मिनट का मतलब है ज्यादा ज्यादा आधा घंटा समय लगाइए, स्टैट से ही तो समय बचाना है, और आधा घंटा समय इस पर लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन, और इस तरह से हम एवरेज करीब करीब 1 घंटा 45 मिनट में आप एक टारगेट रख कर चले कि हम मैक्सिमम 15 मिनट हमारा समय बच जाए। अब 15 मिनट में है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप 7-8 मिनट 10 मिनट का समय वो भी लगा लीजिए। आप 10 मिनट का समय लगा लिए, सारा भर लिए, लास्ट में बच गया 5 मिनट। अब आपके जितने भी क्वेश्चन बच गए आप वहां पर अब तुक्का लगाइए, छोड़िए मत, जय माता दी, तो होगा जो होगा देखा जाए। बच्चे एक याद रखिएगा, तुक्का लगाने का जो मेथड है वह है कि आपके 20 क्वेश्चन छूट रहे, रिस्क है बेटा, ये तो गेम है, तुक्का लगाने का मतलब ये तो गेम हो गया, गेम हो गया। अब इस 20 क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं कि आपके 5 क्वेश्चन करेक्ट हो गए और 15 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 5 मार्क्स तो आपके प्लस आ गए। अब 15 × 0.25 मतलब क्या होगा, 3.75, 15 × 0.25 = 3.75, ये आपका निगेटिव आ गया। तो 5 में इसको आप माइनस करोगे तो 1.25 तो कम से कम आपका मार्क्स प्लस सरप्लस हो सकता है ना, नहीं नहीं कहता कि हो ही जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी है, चांस है, अनुमान है, ये कोई मैं नहीं कहता कि हो ही जाएगा, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका। हो सकता है कि आपने जो किया जय माता दी पर टिक लगा दिया और 20 क्वेश्चन में आपका 10 सही हो गया और 10 गलत हो गया। तो 10 गलत हो गया तो क्या होगा, ये 10 मार्क्स आया और इसमें से 2.5 एक कम हो गया, तो 7.5 तो आपका सरप्लस हो गया, नुकसान क्या। आपने 80 क्वेश्चन कर रखा, 80 में से अगर मान लेते हैं कि आपका 60 क्वेश्चन भी अगर करेक्ट हो गया, 80 में से 60 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया, तो 60 मार्क्स तो आपके आएंगे, 60 मार्क्स तो आएंगे ना। और यहाँ पर आपका 20 जो है, इस 20 पर आपने तुक्का मारा हुआ, तो 20 में भी आप देख लीजिएगा 20 में कितना है, तो 40 क्वेश्चन आपको मैं मान लेता हूँ कि 40 क्वेश्चन गलत ही हो गया। सपोज करो 80 अटेम्प्ट किया, 60 गलत हो गया, सही हो गया, और 40 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 40 × 0.25 कर दो, कितना होगा जी, 40 × 0.25 10 हो गया, 0.25 × 40 = 10, ये 10 निगेटिव आ गया, तो 60 में से आप 10 माइनस कर दोगे तो अभी आप फेल नहीं करो, ठीक है, फेल नहीं करो, लेकिन आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप करेंगे, और ये तो हो गया कि बच्चे आपको करना क्या है, इस सारा टाइम मैनेजमेंट का खेल है बच्चे, इस टाइम मैनेजमेंट को करना है और अच्छी तरह से करना, ठीक है। आप एक काम करेंगे, अभी से आपको प्रैक्टिस के लिए मैं एक बात बता देता हूँ, आप सभी के ग्रुप में मैं इस OMR सीट की PDF भेज देता हूँ, OMR सीट की PDF भेज देता हूँ बच्चे, और आप क्या करोगे, आप उस प्रिंट आउट करने की ठीक है आदत डालोगे। आपको जरा देखिएगा, मैंने आपको ये बात बताया कि आंसर सीट में अगर मान लेते हैं 2 सही है, 2 कर लिया, तो इसकी अगर ये आंसर है आप ब्लैक से भरना है, HB पेंसिल से फिल करना है, ठीक है, HB से अगर ये है तो आप इसको क्या करोगे, फिर आप उसके बाद है 5-4 का है ये आंसर है, तो ठीक है, इस तरह से आप पूरा करते जाइए। और एक बात याद रखिएगा, आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा और आपको सिग्नेचर करना है, सबसे पहले ही आपसे जैसे ही OMR से भरा जाएगा साइन आपसे करवा लेगा, ये साइन कर दिया आपने, आपने साइन करने के बाद है आप क्या करोगे, यहाँ पर इनविजिलेटर का साइन होगा, वो अपना साइन कर लेगा, उसके बाद ही आपको काम करने देगा, तो घबराने की बात नहीं है। OMR सीट को सबसे लास्ट में फिल कर दीजिए, और फिल करके
आपको काम क्या करना है, फिल कर देना। और फिल आप सबसे लास्ट में आप एक नजर, जरा आपके पास समय है तो आप मिला सकते हैं, और है कि आप आराम से पेपर सबमिट करने के बाद, अच्छे एक आदत होती है सभी का, हमको पर को डिस्कस आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से है डिस्कस मत करें। आप क्या करोगे, आप डिस्कस मत करो, तो क्या जरूरत है डिस्कस। आप अगले पेपर की तैयारी शुरू, इकोनॉमिक्स एंड बीसी, इकोनॉमिक्स एंड बीसी के सब्जेक्ट है ना ये स्कोरिंग पेपर, ये जो एग्रीगेट के वजह से जो बच्चे फेल होते हैं उसको भरपाई करता है इकोनॉमिक्स का एक पेपर, इकोनॉमिक्स बीसी। आपने है चारों पेपर में है पास तो हो गए, लेकिन एग्रीगेट में आपका मार्क्स कम हो रहा, तो इकोनॉमिक्स बीसी के पेपर आपका है इस वाले कमी को, एग्रीगेट में जो कम होते हैं उसको फुलफिल करने का काम। इसलिए आप इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का पेपर को बड़ी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। दो दिन समय मिलेगा यार, ठीक है, आपको कितना समय मिलेगा, करीब करीब 26 को पेपर है, 26 को पेपर हो जाएगा, 28 का रात और 29 का पूरा दिन और इसका है आधा समय, इस समय मिलेगा, आप उसको बड़े अच्छे से देख सकते हैं और संभल संभल के, समझ समझ के आंसर दीजिए। अपने दिमाग लगा कर जब हम आंसर देते हैं ना तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। रटा हुआ अगर हम काम करेंगे ना, रटा हुआ काम अगर करेंगे बेटा वहां पर दिक्कत, रटा हुआ काम दिमाग लगा लगा कर आप आंसर देंगे, ठीक है। हाँ जी, दिमाग लगा लगा कर आंसर देंगे तो आपके पास करने की प्रायोरिटी बहुत बढ़ जाएगी यार, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चे उसके बाद जब इकोनॉमिक्स बीसीके का पेपर हो जाएगा तब आप आइए और जो डिस्कस करना, ठीक है, जो डिस्कस करना है आप कर लीजिए। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो बच्चे एक बात जरा सुनो, अगर आपको लगता है कि हम पास हो जाएंगे तो बेटा थोड़ा दिन, दो चार दिन इधर उधर करना है कर लो, ये इंटर का शुरू करो तैयारी, हमारे पास आओ ना। हम आपको है गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, जो इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं, हम उनका है सर्विसेस दी, टॉप मोस्ट फैकल्टी का हमारे यहाँ लाइव एट सेंटर वाला भी क्लास शुरू हो रहा है, लाइव एट सेंटर मेरे कोचिंग में शुरू, वो आपको सर्विसेस दिलवा देंगे, टॉप मोस्ट टीचर का मिलेगा। और आप सर भी, क्योंकि जिन बार बार थोड़े पढ़ना है यार जिंदगी में, कहीं भी पढ़ो एक बार पढ़ो और ढंग से पढ़ो, आ नहीं तो बस इतना बार पढ़ो और हर जगह कंफ्यूज होते रहो, एक टीचर को अभी पढ़ा इस बार ठीक नहीं हुआ, दूसरा टीचर को अगली बार जाओगे यार इसी तरह से कंसेप्ट में हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे, हमेशा जिंदगी ही कंफ्यूज हो जाएगा यार। बार बार थोड़े पढ़ना, अच्छे टीचर से एक बार पढ़ना और ढंग से पढ़ना, और एक बार जब क्लियर हो जाएगा ना तो रिजल्ट बस हमेशा अच्छा रहेगा। तो आप आइए और उसके बाद हम आपका हेल्प करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकता है आपको हेल्प। चलो इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूं आपका पेपर बहुत ही अच्छा से निकलवा दे, टेंशन फ्री रहें और आपका जिंदगी, आपका भविष्य, आपका लाइफ बहुत ही के साथ। बाय बाय।